अहमन जो है ना वहाँ पर बैठ के खाना वगैरह जो बना रही है, और साकिब आके भी जो है ना वहाँ पर खड़ा हुआ है, मम्मा की जो है ना हेल्प कर रहा है। प्याज जो है भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी हमारे मसर जो है ये भून चुके हैं, अभी जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है, मेरी दुआ है जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला आयज़ा अता फरमाए, जो जहाँ भी दुख तकलीफ़ में अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो माशाल्लाह हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ मसर, ये देखें ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं। इधर जो है देख के मैं घी भी डाल दिया है और घी गर्म हो चुका है। अब ये प्याज कटे हुए, क्योंकि और मसाला था नहीं तो मजबूरी है, बस यही प्याज डाल के बना रही हूँ। ये प्याज डाल दिया, अभी से अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर जो है दूसरे मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हाज साहब की जो है रात से तबीयत ख़राब है और वो सो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम बहुत तेज़ है और पेट में दर्द भी, इसलिए वो कहीं गए नहीं, कोई सवारी भी वगैरह भी नहीं मिली जो सब्ज़ी वगैरह ले आते, तो इसलिए जो है वो बना रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे बनाएंगे वो भी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। सब बहन भाइयों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें आप सब बहन भाइयों की जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करें। तो भाई साहब से भी मुलाकात कराते हैं, उनसे भी हाल चाल पूछें कि क्या हाल हवाल है, वो सब बताएंगे कि उनको क्या हुआ है, क्या हाल हवाल है। तो ये रेसिपी जैसे जैसे बनाएंगे वो भी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। प्याज जो है भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च, ये आ गई लाल मिर्च, और ये आ गई जी हल्दी, और ये नमक। ये अच्छे से भून के जो मसर भिगोए हुए हैं उसका पानी निकाल के इसमें डाल देंगे, मसर को डाल देंगे, मतलब शायद आप समझें कि पानी को डाल देंगे। अब इसमें ऐड ये भिगोए हुए मसर, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं, और मेरी दुआ है जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए, जो जहाँ भी जिस भी दुख तकलीफ परेशानी में अल्लाह पाक उनकी दुख तकलीफ परेशानियाँ दूर फरमाए, और उनके सदके हमारी भी जो दुख तकलीफ परेशानियाँ वो दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग जो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये है जी शाम की रूटीन, और शाम का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि व्लॉग जो है ना हम एक दिन बनाते हैं तो दूसरे दिन तकरीबन 12 बजे के करीब जो है ना डाल देते हैं, 12 बजे डालते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है सिग्नल की अपलोडिंग की, तो इसलिए जो है ना हम वीडियो एक दो जो है ना एडवांस में बना कर रखते हैं और फिर डाल देते हैं, ताकि यहाँ से बाहर जब जाते हैं तो सिग्नल वाली जगह पर, यहाँ पर जो है ना कोई सवारी वगैरह मिल जाती है तो बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ से जो है दूर
रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर सिग्नल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर ये देखें जंगलात हैं हर तरफ, और ये जो है ना इधर सिग्नल बहुत कम आते हैं, तो इसलिए बात करने के लिए भी लोकल कॉल के लिए भी बहुत मुश्किल से आते हैं, तो इसलिए नेट के सिग्नल बहुत कम आते हैं। और मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब है, क्योंकि पिछले व्लॉग में भी हमने सब फैमिली के साथ शेयर किया है, तो कल रात की जो है ना एक नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और पेट में दर्द, पिचस वगैरह लगी हुई है, तो सब बहन भाई दुआ करने हैं कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बीमार रहा तो घर के काम और अखराजात कौन उठाएगा, क्योंकि जब तक मैं ठीक हूँ तो घर के अखराजात भी चलते रहेंगे और घर के काम काज भी चलते रहेंगे, मेहनत मजदूरी भी होती रहेगी तो घर का सर्कट भी चलता रहेगा, तो ये भी परेशानी है, तो सब बहन भाई ने दुआ करनी है। तो शाम की रूटीन है तो सब बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को जाना फुल वॉच करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और ये रहा हमारा झोंपड़ा, तो यहाँ पर ये देखें आके अब जना खड़ा हुआ है। हाँ जी आके, कैसे हो, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो, सुनाओ हाल चाल, ये गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं है, देखें हवा है नहीं है, अभी हल्की हल्की है, अभी लुढ़ रहे हैं बस पत्ते, तो चलो बहन भाइयों को सलाम नहीं करना, हाँ इतना भी नहीं हिल रहा, हल्का हल्का महसूस हो रहा है बस, अभी हवा इतनी नहीं है, अभी तो गुल्ली है। हाँ जी, तो चलो दुआ सलाम नहीं करनी बहन भाइयों से, माशाल्लाह जी आके आपने भी दुआ सलाम कर लिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत भी ख़राब है और हेमन की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तो घर के काम काज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना अमन की तबीयत भी कुछ बेहतर है, और घर के काम काज तो करना ही है, क्योंकि रोटी पानी जो बनानी है कुछ भी बनानी है, व्लॉग भी बनाना होता है और बच्चों के लिए रोटी जो है ना खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए दवाई भी खा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ बेहतर है पहले से, तो वहाँ पर बैठ के भी जो है ना खाना बना रही है वो देखें सामने, और आके भी मम्मा की जो है ना अपनी मम्मा की जो है ना हेल्प कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमन जो है ना वहाँ पर बैठ के खाना वगैरह जो बना रही है, और आके भी जो है ना वहाँ पर खड़ा हुआ है, मम्मा की जो है ना हेल्प कर रहा है, कोई सामान वगैरह देना होता है उठा के तो वो भी दे देता है, तो वो रेसिपी जो है ना तैयार कर रही है, क्योंकि आज जो है ना साबित मसर बना रही हैं रेसिपी में, और वहाँ पर ये देखें ये साकिब जो है ना माशाल्लाह वो सामने आ रहा है दूध लेकर, क्योंकि अमन ने जो है ना दवाई खानी होती है, तो इसलिए मम्मा के लिए जो है अपनी मम्मा के लिए दवाई की दूध लेने गया हुआ था। आज हम बहुत डर गए, क्या हुआ, अंदर खुद जाया करें दूध लेने, क्या हो गया, कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे ना बहुत डर लग रहा था, अकेला बच्चा जाता है इतने जंगल में झाग के, अल्लाह ख्याल करेगा, अल्लाह रहमत करेगा, हाँ माशाल्लाह आ तो रहा है। हाँ जी, तो सुनाए तबीयत का, सुनाए कैसी है तबीयत, तो ठीक नहीं है, बस मजबूरी है, काम करना पड़ रहा है, क्या करूँ, बच्चों को तो खाना खिलाना है ना, हाँ खिलाना है, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ आप भी हाथ चला लेते हैं, हेल्प कर देते हैं मेरी। हाँ जी, तो आपा खैर करेगा इंशाल्लाह, सब बहन भाई दुआ करेंगे हमारे लिए, तो माशाल्लाह साकिब जो है ना आ चुका है दूध लेकर, ये देखें जी। हाँ जी दूध ले आए हो, कहाँ पर थे, आपको थे या वैसे भौंक रहे थे आप, उसमें दो कुत्ते बैठे थे आपस में भौंक रहे थे, आपको देख के भौंक रहे थे, उनका पीछे था और डर गए थे, मैं तो डर गई हूँ, घर में बैठे आप नहीं डरे, मैं आपको चुप करके जा, मैं भागते तो मेरे पीछे लग जाते, समझदार बच्चा है माशाल्लाह, मैं तो डर गई थी, मैं वो उधर खा के देखने आ गई थी, तो मेरे बच्चे को कुत्ते भौंक रहे हैं।
और समझदार बच्चा एक साइड पे हो गया होगा। तो चलो बहन भाइयों को सलाम करो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आके अपने भी दुआ सलाम कर लिया। रेसिपी हमारी बनना स्टार्ट है अभी भी। माशाल्लाह जी हमारे मसर जो है ये भुन चुके हैं। अभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं शोरमे के लिए। ज़्यादा तो नहीं होगा शोरमा लेकिन कुछ गल भी जाएंगे ये ज़्यादा। ये देखिए इतना सा पानी डाल दिया है ताकि ये गल के और मिक्स हो जाए। माशाल्लाह जी उधर जो है हमारी रेसिपी बन रही है। इधर जो है मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो रोटी भी तो बनानी है। फिर टाइम ख़त्म हो जाता है फिर व्लॉग नहीं बना पाते अंधेरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जंगल है तो इसमें ना अंधेरा भी बहुत जल्दी लगता है होना शुरू हो जाता है। अभी तो वहाँ फायदा पाद धूप भी नहीं गई होगी। आटा जो है गूंदा जा चुका है और इधर जो है ना सालन भी मेरे ख्याल में लगता है तैयार हो चुका है। हाँ जी ये बन चुका है। रेसिपी जो है ना मसर की साबत मसर। हाँ जी वो बन कर तैयार हो चुकी है। अभी बनाते हैं रोटियां क्योंकि पहले तो तंदूर पे जाते थे ना बनाने के लिए अब मुझसे चलना नहीं जाता इसलिए आज तवे पे बना लेते हैं। आप ना एक लकड़ी और तो उधर से ना ऐसे काट इसके साथ में जो छोटी थी वो जल चुकी है अकेले नहीं जलेगी। चलो ठीक है देर होने वाला है तो रोटियां बना लेते हैं टाइम से क्योंकि सूरज जो ना बिल्कुल डूब चुका है इसलिए। अलहमदुलिल्लाह जी रोटियां जो है ना बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और इधर पेड़े भी बन चुके हैं। पहली रोटी तवे पे डाल दी गई है। हाँ जी माशाल्लाह अलहमदुल्लाह। लेकिन मेरा जो है ना नज़ले से बुरा हाल है नाक फिर सर जो है ना नीचे करता हूँ ना तो नाक पहना शुरू हो जाता है ऐसे पानी टपक 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 शुरू हो जाता है बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है तो वो बात ठीक है पैसे भी नहीं है और दूसरा ये है ना फौरन नहीं रोकना चाहिए ना जुकाम को। 3 दिन हो गए जुकाम हुआ नहीं आज जो है ना बहना तो आज शुरू है रात का कल इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल करेंगे। रोटी भी बन चुकी हैं क्योंकि आखिरी रोटी जो है ना तवे पर रखी हुई है और अंधेरा भी हो चुका है मगरब की अजान भी हो चुकी है काफ़ी देर हो गई है अजान हुए और सालन भी तैयार है रोटी भी तैयार हो चुकी है और इधर बच्चे भी माशाल्लाह आ गए हैं गए गए थे खेलने के लिए और बिस्तरे भी बाहर निकाल दिए हैं ये है ना बर्तन भी रख दिए हैं साके महमूद जो है ना बिस्तर वगैरह जो है ना बाहर निकाल दिए हैं अपनी मम्मा की जो है ना हेल्प करने के लिए। क्या हुआ हुँ? क्या हुआ क्यों रो रही हो अच्छा तो ये देखो तो अभी जो है ना अंधेरा भी होने वाला है चलो बेटे साके उठो खड़े हो जाओ चलो ओ चलो उठो उठाओ वहाँ से रोटियाँ उठाओ इधर रखो चलो तो आप भी तो धुआं में बैठी हुई हैं उठ जाएं अब रोटियाँ तो बना ली हैं।
माशाल्लाह जी अभी बैठ के खाते हैं खाना, तो सब बहन भाइयों ने जिस भी बहन भाइयों ने खाना है तो वो आके हमारे साथ खा सकता है, क्योंकि खाना वगैरह जो है तैयार हो चुका है और फिर दवाई भी खानी है। अभी जो है ना अमन जो है ना दूध रख कर ये गर्म, क्योंकि गर्म करने के बाद जो है ना फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो दवाई वगैरह खाएगी, तो उस टाइम व्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो मोबाइल की भी जो है ना कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसा कि सब बहन भाइयों के साथ पहले भी हम व्लॉग में शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं सब बहन भाइयों को। तो ये छोटा सा व्लॉग वजह से जो है ना अमन को जो है ना अचानक उल्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि तबीयत पहले भी ख़राब थी, तो अभी जो है खाना वगैरह बनाना में तो ऐसे गर्मी से गर्मी होती है, तो इसलिए तो साकिब महमूद जो है ना अपनी मामा के ही जो है ना रुक जाए। तो सब बहन भाइयों ने जो है ना दुआ करनी है हम सब के लिए, खासो खास दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम आप सब बहन भाइयों को जो है ना हमारा ये व्लॉग जो है ना सब पसंद आए, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।